तो दोस्तों, नुसरत भरोचा ने अपनी फिल्म शोरी से दर्शकों का दिल जीत लिया था। इस हॉरर फिल्म में नुसरत की एक्टिंग के सभी कायल हो गए थे। हाल ही में एक्ट्रेस ने शोरी के लिए फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट अवार्ड भी पुरस्कार जीता। अब इसके दूसरे पार्ट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। एक्ट्रेस शोरी की अगली कड़ी शोरी 2 लेकर जल्द ही हाजिर होने वाली है। एक्ट्रेस अपनी टीम के साथ जल्द ही शोरी 2 की शूटिंग शुरू करने के लिए तैयार है। बता दें, शोरी को रिलीज हुए 1 साल हो गया है। शोरी को एक खास मैसेज के साथ बनाया गया था, जिसमें हमने देखा कि कैसे आज भी समाज में बेटा और बेटी के बीच अंतर किया जाता है। लोग बेटी होना अभिशाप मानते हैं और इसके लिए बच्ची की माँ को ही दोषी ठहराया जाता है। पिछले साल रिलीज हुई थी ये शोरी मूवी। शोरी 26 नवम्बर 2021 Amazon Prime पर रिलीज हुई थी। इसे हॉलीवुड फिल्म टॉल ग्रास का भी रीमेक कहा जाता है। इसी के बारे में बात करते हुए नुसरत ने कहा कि ये हैरान करने वाला है, क्योंकि शोरी पिछले साल सेम तारीख को रिलीज हुई थी। मैंने अभी अभी शोरी के लिए फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट अवार्ड में पुरस्कार जीता है और हाल ही में अवार्ड सेरेमनी में वापस आई हूँ। इसके आगे उन्होंने कहा, अब मैं सीधे शोरी 2 की शूटिंग में बिजी होने वाली हूँ। मैं आपको ये बता भी नहीं सकती कि इसकी स्क्रिप्ट कितनी डरावनी है। मैं आज मुहूर्त शूट कर रही हूँ, आज शोरी के लिए मिले पुरस्कार का भी जश्न मना रही हूँ। इसी बीच वर्क फ्रंट पर उसके पास शोरी 2 के अलावा अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की सेल्फी मूवी भी है। इसके अलावा उनके पास पाइपलाइन में अकेली भी है, जिसमें वो नुसरत भरोचा सोलो लीड रोल में नजर आएंगी। बाकी दोस्तों, आप इस फिल्म के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।